रात का टाइम और मम्मी बना रही है रात के लिए लंच। तो अभी क्या बना रही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी बन रहा है पूड़ी गर्मा गर्म। मम्मी बहुत सारा पूड़ी छान के रखी है चूल्हा, और चूल्हा में मम्मी बना रही है पूड़ी। मेरा और अभी थोड़ा सा और बाकी है, बस बन गया है। तब से मैं बना रही थी लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई बाबू को लेके, थोड़ा रो रहा था इसी वजह से। अभी सो गया है तो इसीलिए आ गई थी सूट करने के लिए। और अभी बनेगा परवल आलू का सब्जी, चूल्हा में ही बनेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। यहाँ पे थोड़ा हवा लगता है वहाँ पर, यहाँ पर गर्मी लगता है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हवा हवा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मम्मी बना रही है। देखना थोड़ा पंखा थोड़ी दिक्कत घूरी है ना, अरे की उल्टा उधर खोला। अच्छा घूरी रही थी। तो बस अभी बन रहा है पूरी गर्मा गर्म मेरा। सुन ले दूर से हवा ठीक लग चल रहा है। पर बहुत जोर जोर ले पूरी सारा बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी परवल आलू का, ये मसाला वाला। और बाबू तो अच्छे से भी सो रहा है तो इसी वजह से मैं सूट वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे चढ़ा हुआ है दूध, ये बनाने के लिए सवे में फ्राई करके रखी हुई यहाँ पे, तो सवे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध गर्म होगा तब। तो मम्मी उधर बना रही है दो चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई बनाने के लिए, बनाती हूँ। हे गाइस, तो अभी बन रहा है सवई। और सवई किस किस को पसंद है बताइएगा। तो अभी थोड़ा सा उबलेगा तब, और मम्मी सिर्फ सब्जी बनेगा बस हो जाएगा। गर्मी बहुत तेज लग रहा है, सब्जी भी बन रहा है। तो बढ़िया है गाइस, तो फाइनली सब्जी बन चुका है। और मम्मी मेरे बाबू को दूध पिलाने, तो मैं यहाँ पे सब्जी उतार दी हूँ। यहाँ पे चूल्हा, बापरी अभी मेरा फ़ोन गिर जाता चूल्हा में, तो यहाँ पे चूल्हा जल रहा है और यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो। ग्रेवी है आलू परवल का, टमाटर और प्याज वगैरह डाल के बनाए। पूरी के साथ बहुत अच्छा लगेगा खाने में, बहुत गर्म है तो इसे बंद कर देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 12:30, अभी ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। और बाबू अभी सो रहा है, बाबू को तो डॉक्टर दिखा के ले आई हूँ। देखती हूँ इतना जल्दी तो मतलब काम करेगा ही नहीं, जब थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब बनेगा केले का फूल का सब्जी तो रेसिपी डालिएगा। तो यहाँ पे केले का फूल जो है मम्मी चुन चुकी है। आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में दिखाई थी इसे कैसे चुना जाता है, केले के फूल को चुनने के बाद इसे छोटा छोटा कट किया जाता है, और इसके बाद इसे इसमें आलू भी कट किया जाता है साथ में, मैं आप लोग दिखाते हूँ। और इसे ऐसे उबाला जाता है क्योंकि इसका जो कस है वो भी निकल रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है दिखने में, लेकिन इसे कटोरी में ऐसे ऐसे छोटा छोटा काट के और इसे उबाला जाता है ताकि इसका जो कस है वो निकल जाए। और छोटा छोटा ऐसे आलू भी काट के साथ में दे दिया है ताकि उबल जाए, ये देख सकते हैं ऐसे करके ये उबल जाएगा। इसके बाद इसे बनाने के लिए मसाला, जो आप मसाला में देते हैं मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, थोड़ा थोड़ा मसाला में जो देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। आज तो मम्मी चना नहीं फुला पाई है, तो चना भी डालती थी उसी में साथ में, तो आज चना नहीं डालेगी, आलू और बड़ी और मूचा दोनों तीनों मिक्स करके बनाएगी। तो यहाँ पे पहले तेल डाला गया है, इसके बाद फिर प्याज थोड़ा ज़्यादा और इसके साथ तेज़पत्ता, और पहले बड़ी को जो है फ्राई करके निकाल लिया जाता है, और इसके बाद ये छान कर मसाले में डाल दिया जाएगा। ये कलर ऐसा आया है पानी का, सारा कस इससे निकल गया। ये बहुत ज़रूरी होता है इसका सारा कस निकालना ताकि ये खाने में कस कड़वा ना लगे। और अब बस इसमें अब मसाला ऐड हो गया है, मसाले में है लहसुन प्याज जीरा धनिया और थोड़ा सा मिर्च का पेस्ट बना के, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी फ्राई करने के बाद इसमें जो है मोचा का जो है एक केला का फूल का जो सब्ज़ी हम लोग मोचा बोलते हैं उसे अच्छे से छान के इस मसाले में डाल दिया जाएगा, और उसे थोड़े देर फ्राई किया जाएगा। बस उसमें पानी ऐड कर दिया जाएगा, इसका तो बन जाएगा। देखिए मेरी बहन कैसी कर रही है। तो यहाँ पे हो रहा है मसाला फ्राई,
मसाला फ्राई हो जाएगा। इसके बाद फिर ये वाला डालूंगी और बड़ी साथ में डालूंगी बॉईल होने के लिए। और दाल बन गया है, यहाँ पे है दाल और चावल, दाल सब्जी बनेगा सिंपल, क्योंकि पापा रात को बोले हैं कुछ स्पेशल लेकर आएंगे, इसी वजह से थोड़ा कम सब खाना बनाने बोले हैं, इसीलिए तो मसाला फ्राई हो जाएगा। हे गाइस, तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ सही से, तो आप लोगों को दिखाने का बहुत मन था कि अच्छे से दिखा दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बाबू को सुलाने चली गई थी। और यहाँ पे मम्मी, जैसे कि मसाला फ्राई हो गया, बस इससे जो है ना आप इस टाइप का कुछ लेके वो अच्छे से पानी निकाल के, पानी नहीं डालना है जो कटोरी में हमने उबाल के उबाला हुआ पानी फेंक देना है, और उससे अच्छे से उठा उठा के उसको मसाले में डाल देना है, और जो बड़ी है बड़ी को अच्छे से चूर के इसमें डालना है, चूर के डालोगे तभी बड़ी को सीझेगा, नहीं तो फिर ऐसे रह जाएगा। और यहाँ पे मम्मी डाल दी है, ये देख सकते हैं, और चना भी इसके साथ ही उबाला जाता है जो ये पहले उबाला गया है, तब ये बन रहा है। ऐसे तो उबाला हुआ है, बसरी से थोड़ा सा उबलेगा और सूखेगा, बस इसके बाद बंद हो जाएगा, बस बन जाएगा। अच्छा से रेसिपी नहीं बता पाए, लेकिन हाँ तो भी अगर किसी को आइडिया लग जाएगा तो बन जाएगा। अभी ये सूखेगा और फिर बन जाएगा, सूखना है, थोड़ा सा उबलेगा। और बस दाल चावल सब बन ही गया है, दाल चावल और सब्जी, सिंपल सा खाना बने हैं आज। और मैं सोच रही हूँ कि आईब्रो बनाने जाऊँगी, आईब्रो बनाने, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, किसी ना किसी दिन काम हो ही जाता है कुछ ना कुछ, बाबू को लेके भी थोड़ा आईब्रो बनाना है मुझे, अपना एक स्लीपर ख़रीदना है, जाना है, इसलिए जा भी नहीं पा रही हूँ, देखती हूँ कब जाऊँगी। उसके बाद मैं सोची हूँ कि आप लोगों को जो बहुत सारा डिमांड आ रहा था वो पूरा करूँगी, तभी नहीं बता रही हूँ, कुछ बताऊँगी आराम से, मतलब मैं सोची कुछ कुछ वीडियो बनाने का, आईब्रो वगैरह अच्छे से बनवा लूँ तब जाऊँगी आईब्रो बनाने बहुत जल्द। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केले का जो फूल का है, सब्जी बनके तैयार हो गया है, और ये रहा बरी जो बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है सब कुछ, बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और यहाँ पे रात को मैं बाबू के साथ बहुत खेल रही थी, तो मैं वो रिकॉर्ड की थी, तो देखिए आप लोग कैसे खेल रही है लड़की, और सच को अच्छा आरकी आरकी घुटते जाओ बाहरे बाहरे टुकड़ू कहाँ का चूल धर लो, देख देख एक बार कहाँ का चूल धर लो, छुड़ा हो रहा है जाना, आँख देखना मोबाइल जा मोबाइल देख चे बस मोबाइल ले ध्यान चला से बाबू को मम्मी झूला में थी, देख सकते हैं अभी इसे खाना है, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अब तोड़ देगा ये, और देखिए तोड़ देगा, और देख मुंह में लेना चाह रहा है, मुंह में ये लड़का मुंह में लेना, देखिए देख सकते हैं खेल रहा है अभी। मिलेगा तो बैटरी लग लगा ना कौन तक खत्म, इसका खत्म हो गया, खत्म हो चुका है, बैटरी नहीं चलेगा अभी इसका, बैटरी यहाँ पे बैटरी तो अभी मैं और बाबू हैं यहाँ पे, देख सकते हैं लड्डू को सो नहीं रहा है, तब से बोल रही सो जा बेटा नहीं छोना है, हाँ अरे बाप रे मम्मा को पिट्टी कर रहे हैं बेटा, मम्मा को पिट्टी कर रहे हैं, हाँ मम्मा को पिट्टी हो रहा है मम्मा का, सो जाइए बेटा सो जाइए, गंदी बात खाना नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है आपको, हाथ खा रहे हैं, हाँ क्यों क्यों हाथ खा रहे हैं, हाँ हाँ बेटा बेटू बेटू
बाबू अभी अपनी मम्मा को बहुत अच्छे से पहचानने लगा है। जैसे कि मैं अगर मम्मी के गोद में रहता है बाबू ना, तो मैं अगर उसके पास से गुजरती हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे पूरा देखता है। मैं अगर उसके सामने आती तो पूरा देखता है, इधर आती तो देखता है, मुझे बहुत ज़्यादा पहचानने लगा है। मेरी बहन भी बोल रही थी तुमको तो बहुत अच्छे से पहचान गया है। और जहाँ मुझे देखता है, मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती दूध पिलाती है, पीता नहीं है आजकल, तो मुझे देख के रोने लगता है। फिर मैं बोलती नहीं मैं छोड़ दो, ज़बरदस्ती मत करो बाबू के साथ, क्योंकि आजकल खाना पीना सही से नहीं खा रहा है। अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है, कल दवाई वगैरह खाए हैं, तो इसी वजह से कल तो बहुत ज़्यादा सोया, सो नहीं रहा है। हाँ बेटा, हाँ।